ढाई घंटे कम से कम, ढाई तीन घंटे लग जाते हैं। ढाई तीन घंटे मतलब पूरा ये आइस वगैरह पैक करके ऐसे बनाते हैं जी। इसको कब खोलते हैं भैया, जैसे ये कब रेडी हो जाता है? रेडी हो जाता है करीब एक डेढ़ घंटे में, रेडी हो जाता है एक डेढ़ घंटे में बेचने लगते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा ताव इसमें लगता जाता है किनारे किनारे, फिर इसके बाद बेचने लगते हैं, तीन घंटे में कंप्लीट हो जाती है एकदम। टाइमिंग क्या है अपनी शॉप की खुलने की? करीब 10 बजे से खोलते हैं। और रात को कब बंद करते हैं? 10 बजे बंद करते हैं। करीब 50 साल हो गए कम से कम। 50 साल कम से कम। तो फिर आज आपको मिलाएंगे कानपुर के सबसे बड़े क्रिमिनल से, जो आए दिन लोगों को चीट करते हैं। चीट करते हैं मतलब ठगते हैं, जो खुलेआम 50 सालों से अपने कस्टमर्स को ठग रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं ना? तो आइए आपको लाए आज तिलक नगर के ठग्गू के लड्डू। कुल्फी में क्या क्या रहता है? इसमें पिस्ता, काजू, दूध की रहती है। पिस्ता और काजू की बनी हुई है। कितने भैया इसका? 100 ग्राम है। हमारे बाबा जी महात्मा गांधी की जनसभाओं में जाया करते थे आज़ादी के पहले। वहाँ पे उन्होंने एक बार बोला था कि शक्कर सफ़ेद जहर है और बगैर शक्कर के लड्डू बनता नहीं। इंसान जिसको भी हम लोग अपने ग्राहक को पैसा लेके उसके बदले में उसको एक ऐसी चीज़ देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको अंतरात्मा में झाँक के देखा तो कहीं ना कहीं ठग्गू नज़र आया कि पैसा भी हमने उसको लिया, उसके बदले में ऐसी चीज़ दे दी उसको कि जो उसके लिए हानिकारक है। तो मोर और लेस ठग लिया उसको हमने, ठगू के लड्डू लिखते हुए। और ये बदनाम कुल्फी का क्या राज है? बदनाम कुल्फी के लिए ऐसा है, हमारी दुकान के बगल में फुटपाथ है, वहीं पे ये कुल्फी बिका करती थी। अच्छा, उसके पीछे स्लोगन यही है कि बदनाम वही होती है जो बिकती है फुटपाथ पे, और होटल में बिकने वाली बदनाम नहीं होती। चालू हुए 50 साल के करीब हो चुका है। 50 साल लड्डू में क्या क्या पड़ता है? होता है इसमें सूजी, खोया, गोंद, चीनी, काजू, इलायची होता है। अच्छा। एक स्पेशल लड्डू होता है ये, इसमें सूजी, खोया, गोंद, चीनी, पिस्ता, बादाम, इलायची होता है। अच्छा, ये स्पेशल लड्डू मतलब ये कौन सा है? ये स्पेशल है। ये स्पेशल है और एक नॉर्मल है। पूरे ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, इसको अपन खोल के भी आपको एक बार दिखाते हैं। सारा पिस्ता, काजू, पूरा ड्राई फ्रूट से दिख रहे हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। घी से बने हुए लग रहे हैं एकदम। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं भी ठगा गया हूँ यहाँ आके, पर सही ठगाया हूँ, मतलब मैं थकते तक खा सकता हूँ। अब इनकी एक बार बादाम कुल्फी भी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी हो। तो ये हमने ले लिए बदनाम कुल्फी, जो बड़ी बदनाम है, जैसे कि यहाँ के ओनर ने बताया किस वजह से बदनाम है वो। अब यहाँ की मेकिंग तो आपने देखी, जो कुल्फी की मैंने दिखाई आपको मेकिंग, अब इसके बाद टेस्ट करके आपको बताते हैं। एक्चुअली बहुत गुड है, मतलब उसमें पिस्ता, काजू, केसर का मेजर एकदम फ्लेवर आ रहा है इसमें।